भोपाल से दिग्विजय सिंह को टिकट दिलाने के बाद कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और विवेक तनखा के नाम की पुरजोर तरीके से पैरवी कर दी। वे चाहते हैं कि हर हालत में इंदौर से ज्योति सिंधिया और जबलपुर से विवेक तनखा चुनाव लड़ें। कमलनाथ की कोशिशों पर ही दिग्विजय सिंह को राजगढ़ की बजाय भोपाल से चुनाव लड़ना पड़ा। अब कमलनाथ ने कह दिया है कि जबलपुर से विवेक तनखा ही सबसे मजबूत उम्मीदवार है। तनखा ने भी एक नहीं अनेक बार मना कर दिया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमलनाथ ने अब उन्हें मना दिया है, किसी भी दिन जबलपुर से तनखा का नाम घोषित हो जाएगा। कमलनाथ के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की स्थिति भी जबलपुर में ठीक नहीं है। यदि तनखा लड़े तो चुनाव जीता जा सकता है। इंदौर के मामले को लेकर सिंधिया के बारे में कमलनाथ कह रहे हैं कि यदि वो इंदौर से लड़े तो उज्जैन, देवास, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन लोकसभा सीट पर भी इसका असर आएगा। ये बात कमलनाथ ने राहुल गांधी को समझा दी है। वहीं जीतू पटवारी लगातार दिल्ली में मशक्कत कर रहे हैं, उनकी राहुल गांधी से बात हो जाए और वो इंदौर से चुनाव लड़ लें, लेकिन कमलनाथ तैयार नहीं है। कमलनाथ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अभी भी अंदरूनी तौर पर कमलनाथ इंदौर से सिर्फ सिंधिया को ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वैसे कल गोविंदा के चुनाव लड़ने की खबर भी चली थी, इस बात पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। खुद गोविंदा ने भोपाल में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इस बार कमलनाथ हर हालत में लोकसभा सीट कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, इसलिए कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रदेश के मामले में राहुल गांधी कमलनाथ के अलावा किसी नेता की नहीं सुनते हैं। सिंधिया के नजदीक होने के बावजूद राहुल आखिरी फैसला कमलनाथ से बात करके ही लेते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।